गांव कोकनी में आज स्वच्छता अभियान चलाया गया। यह स्वच्छता अभियान करनाल के पूर्व उपायुक्त बलबीर सिंह मलिक के नेतृत्व में चलाया गया। इस स्वच्छता अभियान में समाज सेवी व ग्रामीण युवाओं ने हिस्सा लिया। स्वच्छता अभियान में कई तरह की लोगों को जानकारी दी गई। स्वच्छता अभियान में लगे लोग उस समय हैरान रह गए जब भीमराव अंबेडकर भवन में की खस्ता हालत स्वच्छता अभियान चलाने वालों ने देखी। इस अवसर पर कई घंटे का समय लगाने के बाद भीमराव अंबेडकर भवन क्षेत्र की साफ सफाई की गई। इस मौके को है हमें 2018 शुरू होगा तो हम 12 साल पूरे कर लेंगे अपने इस काम के। जो साथी साथ हैं उनकी वजह से ही हम ये चला पाए हैं। कोई भी व्यक्ति ये सोचे कि मैं अकेला सब कुछ कर लूंगा वो संभव नहीं है, लेकिन अगर मिलजुल के लग के करेंगे तो सारा कुछ सब कुछ हो सकता है। अभी ये इतना खड़ा हुआ था घास, सब मिलजुल के लगे तो सारा उखाड़ दिया। सिंह मलिक ने बोलते हुए कहा कि स्वच्छता ही मानव के लिए बेहद जरूरी है, स्वच्छता के बिना इंसान अधूरा है। इस अवसर पर स्कूली बच्चों ने का एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया जिसमें बच्चों को स्वच्छता व सफाई के बारे में जानकारी दी गई। आज न्यूज के लिए करनाल से MS निर्मल।